अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज इंतहा इंपॉर्टेंट टिप आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मस्टर्ड ऑयल को या सरसों के तेल को कैसे तैयार किया जाए खाना बनाने के लिए। तो इसको एक पैन में डालें और इसको गर्म होने दें। अगर ये कच्चे इस तरह ऑयल में ही मैं कुछ पकाने के लिए डाल दूँगी चीज़, तो ये बॉयल होकर बाहर गिरने लगेगा। अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है, थोड़ा जलने लगा है, लेकिन फिर भी प्रॉपरली ये रेडी नहीं हुआ है। तो इसमें मैं लहसुन की कली डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर इस तरीके से कच्चे ऑयल में डालेंगे कोई भी चीज़ तो उबल के बाहर गिरने लगेगा तेल, इसमें बहुत झाग बनने लगेगी। सो अभी प्रॉपरली जला नहीं था तो मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं। देखिए कितनी ज़्यादा झाग बन रही है। तो ये पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए या किस अचार में डालने के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ये लहसुन की कलियाँ तो खैर फ्राई होने देते हैं, और जब ऑयल अच्छी तरह जल जाएगा यानी कि इसमें बहुत धुआं निकलने लगे और प्रॉपरली जल जाए तो इसमें से झाग ख़त्म हो जाती है। ये देखें अब लहसुन की कलियाँ फ्राई हो रही हैं। एक और कली डालते हैं। अब क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, जल चुका है, इसमें देखें धुआं कितना निकल रहा है। हाई हीट पे इसको आपने हमेशा पकाना है। खाना पकाने से पहले इसको जला लें अच्छी तरह, इसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल और टेस्ट जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। और इसको रूम टेम्परेचर में आने दें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको किसी चीज़ से छान लें, जो भी चीज़ अगर कचरा वगैरह हो निकल जाए। और करेले बनाएं, भिंडी बनाएं या आलू की भुजिया, इसमें बहुत अच्छी बनेगी। अचार में डालने के लिए परफेक्ट है। टिप अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।